नमस्कार प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित चाहे जितने कार्यक्रम आज तक आप क्यों ना देख चुके हों, मैं आपसे निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं राहु के आने वाले 550 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। किन किन बातों की सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा इसे आप जान लेते हैं, किन किन प्रकार से राहु महाराज आपको बड़े अच्छे लाभ दे सकते हैं इन्हें आप जान लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पिछले 18 महीनों में जब राहु महाराज आपके अष्टम भाव में बने हुए थे, इन्होंने धीरे धीरे कर कैसे आपके पैरों में बेड़ियां लगा दी आपको पता ही नहीं पड़ा, और उसके पश्चात में पिछले 18 महीनों में जो जो समस्याएं आपने सामना किया है, फेस की है समस्याओं को, इससे आप भली भांति अवगत हैं। किंतु इस बार जो 550 दिन राहु महाराज आपके सप्तम भाव में आए हैं, ये इस बार आपको ना जकड़ पाए उसके लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार राहु से ही हम अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं इसे यदि आप समझ लेते हैं, विश्वास मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अक्सर व्यक्ति समस्या में तब आ जाता है जब आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कुछ कदम आगे जाकर कुछ गड्ढा आने वाला है और उस गड्ढे में आप गिर जाते हैं। किंतु यदि आपको पता हो कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं कुछ समय पश्चात यहां पर गड्ढा आने वाला है और उस गड्ढे से साइड में से निकलकर आप आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचना आपके लिए तय हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि राहु महाराज जब आपके अष्टम भाव से हटे हैं तो आपके जीवन में जो ऑब्स्टेकल आ रहे थे, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे। जो आपके लिए बार बार बनते बनते कार्य रुक रहे थे वो समाप्त होंगे। यहां से दृष्टि देकर फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चों से संबंधित समस्याएं जो राहु महाराज एक्टिवेट बनाकर छोड़ रहे थे उनसे आपको निजात का योग प्राप्त होगा। धन का जो फ्लो राहु महाराज ने रोक रखा था वो आपके पक्ष में आएगा। वाणी के चलते जो बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे थे उनमें आपको स्मूथनेस अवश्य देखने को मिलेगी, और भौतिक सुखों में जो राहु महाराज ने कमी कर दी है उसमें आपको राहत अवश्य रूप से प्राप्त होगी। इसमें तो किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु यहां जब राहु महाराज आपके सप्तम भाव में आए हैं और केंद्र स्थान पर बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति गोचर में आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं। 24 मई 2024 को जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि अर्थात आपके भाग्य में चले जाएंगे वहां से तो राहु महाराज आपका कुछ नहीं कर सकते, ये आप लिख कर रख लीजिए, किंतु यहां तक आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और राहु महाराज जब जब आपका पैर पकड़ने का प्रयास करे कैसे आपको सचेत होना है, इस बात को आज के कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और ये हैं क्या, तो ये हैं विच्छेदात्मक ग्रह। इस स्थान पर बैठकर सबसे पहले इनका प्रभाव कहां देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करते हुए पाए जाते हैं। जब भी आपके दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू एक्टिवेट होते हुए दिखाई दीजिएगा तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि राहु आपको कहीं ना कहीं ग्रसित करने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे समय में जब आप अच्छे से अपने रिश्तों को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं तब ही आपका राहु किसी भी प्रकार से नकारात्मक दृष्टिकोण को एक्टिवेट नहीं कर पाता। यहां से ये लग्न पर दृष्टि दे रहा है, और लग्न क्या है, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व की स्थितियां कैसी होती है, तो सबसे पहले लग्न पर दृष्टि देकर आपको शॉर्टकट रास्तों की तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि ये तो आपने देख ही चुके हो कि 18 महीनों में इसने बहुत से ऑब्स्टेकल क्रिएट किए हैं, किंतु अब उन स्थितियों में धन की जो समस्याएं हमारे जीवन में चल रही है इनको शीघ्रता से कैसे हमारे पक्ष में लाया जाए इसके शॉर्टकट रास्ते ये आपको बार बार उत्साहेगा कि इस तरीके से आप धन अर्जित कर सकते हो। शेयर मार्केट में पैसा लगा लो, कहीं और कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जी कहेगा यहां पैसा लगा लो रातों रात डबल हो जाएगा। इस प्रकार की स्थितियां जब भी आपके व्यक्तित्व को आकर्षित करने लगे समझ जाइएगा कि राहु महाराज घिरने का प्रयास कर रहे हैं, और उस अवस्था से जितना दो कदम आप पीछे आ जाओगे राहु को एक तरीके से आप हरा दोगे, और जब राहु को हरा दोगे
ये आपके जीवन में विवधानास्पद स्थितियों को एक्टिवेट नहीं कर पाता। अक्सर हमेशा राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको तभी अपनी तरफ आकर्षित कर उलझा देगा जब आप राहु के विचारास्पद स्थितियों में लिप्त हो जाते हो। कैसे? तो शॉर्टकट रास्ते, बैंक निफ्टी, निफ्टी जो आपके शेयर मार्केट होते हैं, इनकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ने लगे। शॉर्टकट रास्तों से कैसे मैं पैसा कमा लूं, इसकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ने लगे। गलत लोगों से संगति आपकी बनने लगे, आपका रुझान गलत लोगों की तरफ बढ़ने लगे। उस प्रकार की स्थिति का योग यहां पर राहु आपको उतना ही जकड़ता जाता है। दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यू एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुरंत रूप से उन रिश्तों को मधुर कीजिए, बैठकर सलाह कीजिए कि इस प्रकार से ये जो भी बात हो रही है, जो हमारे बीच में विवधानास्पद स्थिति क्रिएट कर रही है, ये हम दोनों मिलकर नहीं होने देंगे। इन सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियों में जितना ज्यादा आप अग्रसर होगे और नकारात्मक दृष्टिकोण से जितना पीछे रखोगे, मेरा विश्वास मानिए, इन 550 दिन में राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त होकर आपको शुद्धता का लाभ प्राप्त होता है। और विशेष रूप से 24 मई 2024 तक इस पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा इस स्थान से निकलकर जो स्मूथनेस आएगी, एक खुली सांस आप लेना प्रारंभ कर रहे हो, उसमें फिर से सेंध डालेगा राहु। और ये सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ का आकर्षण ही आपको उलझा सकता है, और इससे दूर रहोगे आपके लिए सकारात्मक स्थिति प्रकट होगी। अब ऐसा क्या करना चाहिए कि राहु महाराज आपको नकारात्मक दृष्टिकोण में ना लिप्त कर पाए? बड़ा अच्छा योग होता है ओम रांग रहवे नमः। इस मंत्र का रोजाना शाम के समय में जाप कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डली वाला, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। इसे अपने रूम में छोटे छोटे 5-7 छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। हर एक महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दें, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं। ये एक बड़ा अच्छा प्रयोजन आपके लिए बना कर देता है। चींटियों को आटा डालने का योग बहुत अच्छे लाभ देगा। अपने घर में बंद घड़ियां, इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो खराब हो चुके हैं, ठीक नहीं हो सकते हैं, इनको आप घर से बाहर रखिए। और सकारात्मक दृष्टिकोण, मेडिटेशन, योगा की स्थिति का योग बनाते हो, राहु महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण हटाते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, आपके लग्न में मित्र कारक राशि में केतु भी बैठा है। धन तो ये भी आपको दे देगा। 24 मई के पश्चात में देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य में आएंगे, ये आपको परिपूरित कर देंगे। शॉर्टकट रास्तों से बचने का प्रयास कीजिएगा, और यह स्थिति आप ज्योतिष के माध्यम से ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति को कुछ पता ही ना हो कि किन बातों की सावधानी हमें बरतनी है, और व्यक्ति एक अंधकार स्वरूप में चलता रहता है और फंस जाने के पश्चात कोई साथ देने नहीं आता, उस स्थिति से जब आप बच जाते हैं, आपको पता होता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि शॉर्टकट रास्ते इन 550 दिनों में आपको नहीं बनाने हैं, और जितना शॉर्टकट रास्तों से दूर रहेंगे, लॉन्ग टर्म कंडीशन के अंदर आपके द्वारा की गई मेहनत का रिजल्ट देने की बाध्यता राहु स्वयं लेगा। क्यों? समझिए, राहु महाराज आपके सप्तम भाव का प्रभाव नकारात्मक देता है, किंतु जब ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से एकादश भाव का फल देगा, तो ये इसका कारक भाव है। आपको धन देने की स्थिति निश्चित रूप से ये स्वयं एक्टिवेट करते हैं। नवम दृष्टि से ये आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, आपकी मेहनत के रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता राहु स्वयं लेता है। किंतु दो स्थानों का प्रभाव आपको ध्यान रखना है, एक दाम्पत्य जीवन, दूसरे अपने डिसीजन। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, सोच समझकर बड़ों की सलाह लेकर किया हुआ कार्य आपको सफल अवश्य बनाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहिएगा। जैसे कई बार होता है कि हमारे पैरों में कोई जकड़न लगी हुई है और वो खुली, सक्सेस का रास्ता दिखना लगा, तो अब हमने समझ लिया कि जी अब हमारा समय प्रारंभ हो गया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गया, समझ लीजिएगा राहु महाराज ने आपको जकड़ लिया है। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, राहु महाराज के आपके लगे पैरों में बेड़ियां खुली है, तो दोबारा से इन बेड़ियों में मत जकड़वाइएगा अपने आप को। निश्चित रूप से ये 550 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।